आज की जो रेसिपी है ये परफेक्ट मॉनसून रेसिपी है। हम बना रहे हैं स्टफ्ड टमेटो रिंग्स। ये जो रेसिपी है मेरी वो इंस्पायर होके आई है टमेटो के पकोड़े से। वो डीप फ्राई होते हैं तो मैंने ये बिना डीप फ्राई किए हुए रिंग्स बनाई हुई है। तो शुरुआत करते हैं बनाना। स्टफ टमेटो रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टमेटोज़ लिए हुए हैं। अभी आप देखेंगे ना तो ये एकदम राइप टमेटोज़ नहीं है, हल्के से येलो वाले हो तो ये रिंग बहुत अच्छी बनती है। और पहले मैंने इसको रिंग में काट लिया है और उसके बाद सेंटर से मैंने सारे बीज हटा दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसन का घोल बना लेते हैं क्योंकि उसको हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ कटोरी बेसन और ये बेसन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे ना एक बहुत अच्छा खस्तापन आएगा। और इसमें ऐड करते हैं नमक और जाएंगे कुछ मसाले जो कि है 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन और चुटकी भर हींग। ये अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद देती है। घोल हम बहुत पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि टमेटोज़ को वो कोट कर सके। एक ही साथ सारा पानी नहीं ऐड करेंगे वरना लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए बेसन का घोल तो रेडी है। ये ऐसी कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए जिसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब ये बेसन का घोल तो रेडी है, इसको मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तब तक हम टमेटोज की रिंग में स्टफ करने के लिए एक आलू का स्टफिंग बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून जितना। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून राई एंड 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देती हूँ। ऐड करेंगे चुटकी भर हींग, थोड़ी सी हल्दी, 1 कली लहसुन की, छोटा टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च। बहुत बेसिक सा स्टफिंग बनाएंगे। ऐड कर देते हैं नमक और अब जाएंगे ये उबले हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। एक्चुअली आपको गरम मसाला ऐड करना है, प्याज ऐड करने हैं, हरे वाले मटर ऐड करने हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया। अब ये स्टफिंग तो रेडी है, मैं एक बोल में निकाल देती हूँ। अब ये स्टफिंग को लेके मैं ये जो सारे टमेटोज की रिंग हमने काटी है उसके सेंटर में भर लूँगी। ऐसे अच्छे से हम प्रेस करते हुए भरेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ भी डाल देती हूँ ताकि खाने में अच्छे से स्टफिंग आए। ये देखिए टमाटर में दोनों तरफ स्टफिंग हमने अच्छा खासा भर लिया है, तभी खाने में मज़ा आएगा ये रिंग को। बस ऐसे ही सारे टमेटोज को हम स्टफ कर लेंगे। अब देखिए सारी टमेटो रिंग्स तो स्टफ हो गई है, अब बारी आती है इसको शैलो फ्राई करने की। ये ऐसे ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। अब ये टमेटो रिंग को शैलो फ्राई करने के लिए मैं वही वाला पैन ले रही हूँ जिसमें हमने स्टफिंग बनाई थी। और ये पैन में अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करूँगी। अब ये एक टमेटो रिंग लेके ऐसे एक टमेटो रिंग को मैं अच्छे से डिप कर लूँगी और एक्सेस बेसन हम निकाल देंगे और सीधा ही मैं ये पैन में डाल दूंगी। अब ये थोड़ा सा घोल मैं ऊपर भी डाल दूंगी ताकि जब हम पलटे तो नीचे की तरफ भी आ जाए। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि दोनों तरफ बहुत अच्छा गुलाबी कलर ना आ जाए। अब ये रिंग को पलट के हम देखते हैं एक बार। ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। टमेटोज की रिंग में ये जो साइड में बूंदी बन जाती है ना, ये मैं निकाल देती हूँ क्योंकि इससे ना थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से टमेटो रिंग तो बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। जल्दी से ये टमेटो रिंग की प्लेटिंग कर देते हैं। और ये जो टमेटो रिंग है ये धनिया पुदीने की चटनी के साथ एकदम बेस्ट लगते हैं। और मैं रख देती हूँ कुछ धनिया के पत्ते। तो लीजिए तैयार है स्टफ टमेटो रिंग्स।
बारिश का मौसम, गर्मा गर्म चाय, उससे भी गर्मा गर्म नो फ्राइड टमेटो रिंग स्टफ वाली, क्या कॉम्बिनेशन है, किलर।